हेलो स्टूडेंट्स, गुड टाइम टू ऑल। आई एम चंदन कुमार प्रधान। वेलकम टू यूट्यूब चैनल चंदन फिजिक्स। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी, MBE। लेट्स बिगिन। मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी, एठारे एपिटैक्सी रो अर्थ हेउची जदि आमे कोनोसी एक सब्सट्रेट उपरे नैनो मटेरियल रो एक थिन फिल्म प्रस्तुत करिबा। अगेन से ही नैनो मटेरियल रो थिन फिल्म उपरे अन्य एक लेयर रो थिन फिल्म प्रस्तुत करिबा। अगेन से ही अन्य एक नैनो मटेरियल रो थिन फिल्म उपरे पुनः आउ एक नैनो मटेरियल रो थिन फिल्म प्रस्तुत करिबा। एही प्रकार ग्रोथ, थिन फिल्म रो ग्रोथ करिबा टेक्निक को आमे कहउचे एपिटैक्सी। जेहेतु एठारे आमे मॉलिक्यूलर बीम सहायता रे एभली नैनो मटेरियल रो थिन फिल्म को ग्रो कराउछे, से टेक्निक रो ना हेउछि मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी, MBE। लेयर पर लेयर रो आमे नैनो मटेरियल रो थिन फिल्म प्रस्तुत करूछे। मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी शॉर्ट फॉर्म रे जहाँ को कहा जाए MBE, इज ए टेक्निक दैट इज यूज फॉर द एपिटेक्सियल ग्रोथ ऑफ मटेरियल्स बाय मीन्स ऑफ इंटरैक्शन ऑफ वन ऑफ द सेवरल मॉलिक्यूलर बीम्स ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज एंड कंपोजिशंस दैट ऑकर ऑन द सरफेस ऑफ ए हीटेड सिंगल क्रिस्टलाइन सब्सट्रेट। बर्तमान आम स्कीमेटिक डायग्राम को आसी जा कि मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी सिस्टम रे एक स्कीमेटिक डायग्राम। इठारे आम एक सब्सट्रेट रखीचे जो सब्सट्रेट को एक होल्डर साहाज्य रे माउंट करा जाए। यह सब्सट्रेट टी को प्रॉपर हीट मध्ये सप्लाई करा जाए। सब्सट्रेट टी हीटेड अवस्था रे अछि। आम एठारे तीनटा सोर्स को व्यवहार करिछे, सोर्स नंबर 1, 2 एवं 3। तीनटा जाक सोर्स को आमर टेक्निकल भाषा रे कहा जाए इफ्यूजन सेल। इफ्यूजन सेल जो मटेरियल रो थिन फिल्म को आम सब्सट्रेट उपरे प्रस्तुत करिया पई चाहूचे ताहाकु ए इफ्यूजन सेल मध्यरे प्रीकर्सर्स मटेरियल कहिकि ताहार फिजिकल वेपर फॉर्म को रखा जिवो। जे फिजिकल वेपर फॉर्म गैसियस मॉलिक्यूल अवस्था रे जहाँ कि एक मॉलिक्यूलर बीम स्ट्रक्चर आकार रे सब्सट्रेट उपर को आसी बम्बार्डमेंट हबो एवं ए सब्सट्रेट उपरे से ही मटेरियल रो थिन फिल्म जहाँ कि मॉलिक्यूलर बीम सहायता रे आसी ताहा एक नैनो मटेरियल रो आस्तरण ए सब्सट्रेट उपरे सृष्टि करिवो। मन कर आम सोर्स 1 रे निकेल को रखीचे, निकेल मटेरियल, निकेल मटेरियल रो थिन फिल्म को आम प्रथमे ए सब्सट्रेट उपरे रखिया पई चाहूचे। तबे जो इफ्यूजन सेल रे प्रिकर्सर्स मटेरियल रहिला आमर निकेल, से निकेल रो वेपर फॉर्म को आम प्रस्तुत करिबा। से वेपर फॉर्म रो गैसियस मॉलिक्यूल गुड़िक आसिकी ए सब्सट्रेट उपरे बाड़े हेले निकेल रो एक थिन फिल्म सब्सट्रेट उपरे प्रथम सृष्टि हेला। ए जो सोर्स तीनटा को आम एठे रखीचे, ए सोर्स गुड़िक आम मैनेज करिबा एक कंप्यूटर सिस्टम साहाज्य। कंप्यूटर सिस्टम रो काम होला प्रथमे सोर्स 1 रो थिन फिल्म प्रस्तुत करा गला, तापर सोर्स 1 को बंद करा जिवो, तापर सोर्स 2 रु एठारे मन कर आमे नै जिबा गैलियम। गैलियम रो वेपर फॉर्म को रखिले तार मॉलिक्यूलर बीम आसिला एवं तार उपरे अनेक थिन फिल्म प्रस्तुत करला। तापर सोर्स नंबर 2 को मध्य आम बंद करदे। सोर्स नंबर 3 रे मनकर अन्य एक मटेरियल नवा, जो मटेरियल नाम मनकर एल्युमिनियम।
एलुमिनियम एक आस्तरण आम एठार प्रस्तुत करने चाहूँ तो एलुमिनियम भेपर फर्म तार मलेक्युलर बीम जाइकी अन्य एक लेयर रो थिन फिल्म प्रस्तुत कर सोर्स नंबर वन आमर आसला निकेल सोर्स नंबर टू रु गला गैलियम सोर्स नंबर थ्री गला एलुमिनियम प्रथमे आमर निकेल रो गोटे थिन फिल्म निकेल रो थिन फिल्म उपरे गैलियम रो एक थिन फिल्म तहार उपरे एलुमिनियम रो एक थिन फिल्म जो अड़ रे सृष्टि होला से जो प्रोसेस टाकु आमे कहूचे एपिटैक्सी ग्रोथ ऑफ थिन फिल्म्स तो बेठारे आमे अन्य एक सेटअप रखीचे जहाँ कहे RSEED गन रिफ्लेक्शन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन जो थिन फिल्म सृष्टि तेब ते थिन फिल्म सृष्टि है कि ना ताकि डिटेक्ट कर इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन गन सा इलेक्ट्रॉन को जिते बड़े इनसीडेंट कराइबा यार ऊपर को तार डिफ्रैक्शन पैटर्न को आम स्टडी करदे पारा RSEED डिटेक्टर साहाज्य जो डिटेक्टर कन्फर्म कर हाँ जे से ही मटेरियल थिन फिल्म वर्तमान सब्सट्रेट उपर प्रस्तुत हो जाए अकॉर्डिंगली आम जो कंप्यूटर सेटअप कराई से सही सोर्स वन को बंद करदे सोर्स टू कंटिन्यू कर एगेन सोर्स टू को बंद कर सोर्स थ्री कंटिन्यू कर यही क्रम जो सब मटेरियल एपिटैक्सी आम फर्म करने चाहूचे ये मॉलिक्युलर बीम एपिटैक्सी सिस्टम को यूज करी ताकु एक क्रमें आम सजाक रखा दिस मेथड इज एन अल्ट्रा हाई वैक्यूम USV बेस्ट टेक्निक फॉर प्रिपेयरिंग हाई क्वालिटी एपिटैक्सियल स्ट्रक्चर्स विथ मोनोलेयर कंट्रोल अल्ट्रा हाई वैक्यूम ये सेटअप टी को आम जो चैम्बर मध्य रखीचे तो से चैम्बर को आम अल्ट्रा हाई वैक्यूम ता मध्य को कौन सी एयर मॉलिक्यूल्स जीवो ना से आम प्रॉपर वैक्यूम सिस्टम यूज करवा पंपिंग मेथड यूज करवा जहाँफल कौन हे ना जो लेयर को आम ये ग्रोथ करने चाहूचे से लेयर टी संपूर्ण भाव में प्यूरीटी फॉर्म रे आसीब कौन सी अनडिजायर्ड पार्टिकल्स ए लेयर रे जमा हेबो नाही प्योर फॉर्म को आम एठारे सृष्टि कर दे पारिबा जो एपिटेक्सियल मोनोलेयर को आम कंट्रोल कर दे पारिबा गोटे लेयर सृष्टि होला नेक्स्ट आउ गोटे लेयर नेक्स्ट आउ गोटे लेयर दिस टेक्निक हाज प्रिसाइज कंट्रोल ओवर बीम फ्लक्सेस बाय यूजिंग कॉलिमिनेटेड बीम्स एंड रैपिड फ्लक्स स्विचिंग मॉलिक्युलर बीम को आम कंट्रोल करदे पारा प्रथम गोटे बीम आसला नेक्स्ट अन्य बीम तापर अन्य एक बीम आसला यह आम कंट्रोल करदे पारा द मेथड अल्सो एनश्योर्स द प्रिसाइज कंट्रोल ओवर द ग्रोथ कंडीशंस टू एनश्योर हाई प्यूरीटी मटेरियल डिपोजिट्स तेब कंट्रोल अनुजाई आम जो लेयर को फॉर्म करवा तार प्यूरीटी मध्य अधिक आसीबो दिस टेक्निक अल्सो एनाबल्स द रियल टाइम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ फिल्म ग्रोथ टू एनश्योर बेस्ट कंडीशन ऑफ एपिटैक्सी जेहेतु आम टेक्निक टिकु अति कंट्रोल्ड वे रे प्रिसाइज मैनर रे कराई दे पारुछे तेणुकरी जो लेयर सृष्टि हेबो तार प्यूरीटी अधिक आसीबो एगेन और बेस्ट क्वालिटी एपिटैक्सी ही पाई परिवा। नेक्स्ट पॉइंट इन ए टिपिकल सॉलिड सोर्स मॉलिक्युलर बीम एपिटैक्सी सिस्टम द अल्ट्रा प्योर फॉर्म ऑफ प्रीकर्सर मटेरियल्स आर हीटेड इन सेपरेट इफ्यूजन सेल्स द गैसियस एलिमेंट्स ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ ए बीम व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ एवापोरेटेड मॉलिक्यूल्स एंड रीच द वेफर ओके आम जो सोर्स वन सोर्स टू सोर्स रखीचे ताकि कहे इफ्यूजन सेल्स ये इफ्यूजन सेल रे कौन हम ना जो मटेरियल आम लेयर को फॉर्म करने चाहूचे ये एपिटैक्सी आकार रे से ही मटेरियल को प्रथम ये इफ्यूजन सेल रे तार गैसियस फॉर्म को कन्वर्ट कराइबा प्रॉपर हीट सप्लाई करी
से गैसियस फॉर्म रे से मटेरियल रो से गैस मॉलिक्यूल गुड़िक एक मॉलिक्यूलर बीम साहाज्य रे ट्रैवल करिवो एवं बॉम्बार्डमेंट हो ए सब्सट्रेट उपरे जका हम मते कहो वाफर ए वाफर उपरे हमरो करेस्पोंडिंग मटेरियल रो थिन फिल्म प्रस्तुत हेचो। द गैसियस एलिमेंट्स कंडेंस ऑन द वाफर आज डिपोजिट्स एंड फॉर्म द थिन फिल्म ऑफ नैनो मटेरियल्स। तो से जो गैसियस एलिमेंट गुड़िक आसी वाफर उपरे बाड़े हेले एवं कंडेंसेशन प्रोसेस फल रे में सेई मटेरियल रो थिन फिल्म को यार उपरे सृष्टि कराई दे परिबा। प्रॉपर भाव रे जो सेटअप आमे कराई छे ताकु आमे अल्ट्रा हाई वैक्यूम सिस्टम अनुजाई कोनोसी प्रकार वैक्यूम ए सेटअप मध्य रहिबो नाही जा फल रे आमे प्यूरिटी पाइबा। अगेन आमे मध्य गुरे कूलिंग सिस्टम व्यवहार करिबा जे कूलिंग सिस्टम फल रे जो हीटेड सब्सट्रेट ता कूल्ड हबो जो मॉलिक्यूलर बीम गुड़ी को आसी एठारे बॉम्बार्डमेंट हेची मते हीटेड गैसेस मॉलिक्यूल्स ता कूल्ड हवा फल रे जहाँ को प्रोसेस टी को आमे कहचे कंडेंसेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन प्रोसेस जेहेतु एठारे आमर कार्य करूची ते आमे फाइनली आमे नैनो मटेरियल रो थिन फिल्म को यार ऊपर प्रस्तुत कर दे परिबा। द मॉलिक्यूलर बीम कैन बी रिफर्ड एज द यूनिडायरेक्शनल काइनेमेटिक फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स विदाउट एनी रेजिस्टेंस। ये जो मॉलिक्यूलर बीम गुड़िक करेस्पोंडिंग सोर्स रू बाहर से गुड़िक यूनिडायरेक्शनल फ्लो केवल से सिंगल डायरेक्शन रे फ्लो एवं कौनसी प्रकार रेजिस्टेंस या मध्य दे रहूनी जेहेतु आम एठारे वैक्यूम ही रखीचे। एंड एपिटैक्सी रिफर्स टू द ऑर्डर्ड ग्रोथ ऑफ वन क्रिस्टलाइन लेयर ऑन अनदर क्रिस्टलाइन लेयर। तो एपिटैक्सी क्या कहे ना गोटे क्रिस्टलाइन लेयर उपर अन्य गोटे क्रिस्टलाइन लेयर रो फॉर्मेशन को आम कहे एपिटैक्सी। द सब्सट्रेट्स आर प्लेस्ड ऑन ए माउंट दैट कैन बी हीटेड अप टू सेवरल हंड्रेड्स डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग डिपोजिशन। ये सब्सट्रेट को आम गोटे सब्सट्रेट होल्डर साहज रखीचे एवं ये सब्सट्रेट को आम हिट सप्लाई करूचे जो टेम्परेचर आराउंड आम रोचे केते 100 डिग्री सेलसीयस रु सम रेंज मध्य तेणुक ये सब्सट्रेट टी सेवेराल डिग्री सेलसीयस रे हीटेड होउची से मटेरियल रो मॉलिक्यूलर बीम को डिपोजिशन करेबा पाई। रिफ्लेक्शन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन RSEED टेक्निक्स आर यूज्ड टू मॉनिटर द ग्रोथ ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग देयर मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी डिपोजिशन। यही इंस्ट्रूमेंट RSEED गन जेनटु हम इलेक्ट्रॉन जाउची इलेक्ट्रॉन टी एटी बॉम्बार्डमेंट हेला पळरे इलेक्ट्रॉन रो डिफ्रैक्शन घटुची से डिफ्रैक्शन को पैटर्न को आम ऑब्जर्व करूचे ये RSEED डिटेक्टर साहाज्यरे। जो RSEED गन एवं RSEED डिटेक्टर या फल आम जानपरिया जे तार डिपोजिशन ठीक भाव में होती कि ना से ही मटेरियल थिन फिल्म एथर प्रस्तुत होती कि ना ताको आम सहजरे अंडरस्टैंड कर दे परिबा बाय यूजिंग दिस टू इंस्ट्रूमेंट्स। कंप्यूटर कंट्रोल शटर्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द थिकनेस ऑफ द डिपॉजिट्स प्रिसाइजली टू ए सिंगल लेयर ऑफ एटम्स। जो कहले सोर्स वन सोर्स टू सोर्स थ्री जेगुड़ी को आम कहे इफ्यूजन सेल्स तो सोर्स वन थिन फिल्म प्रस्तुत कले ताऊपर सोर्स टू रहा सोर्स थ्री जो मटेरियल को नहीं गठित होता तार थिन फिल्म प्रस्तुत कले तेज आपको आम कंट्रोल करवा एक कंप्यूटर कंट्रोल शटर साहाज्य जिते बड़े एकटा ओपन होटा क्लोज होते दुईटा ओपन हेले एक तीन क्लोज हे तीन टा ओपन हेले एक दुई क्लोज हे से जो थिन फिल्म प्रस्तुत होता एक प्रिसाइजली मैनर में फॉर्म हो पार
तेरे तार कंट्रोलिंग पाई आम व्यवहार करुचे एक कंप्यूटर कंट्रोल शटर जहाँफल गोटे सिंगल आटम लेयर रो थिन फिल्म को आम प्रस्तुत कर दे परिवा। दिस अरेंजमेंट्स एनाबल्स द इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स ऑफ द लेयर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स टू बी डिपोजिटेड मोर कन्वीनियंटली। तो से अरेंजमेंट ही आमको कन्फर्म कराऊ जे के भाव में प्रिसाइज मैनर रे आम गोटे लेयार ऊपर अगर गोटे लेयार थिन फिल्म को प्रस्तुत करदे। तो एगुड़ी थी आमर मलेक्युलर बीम एपिटेक्सी टेक्निक रते गुड़े जानवा पॉइंट्स तार वर्किंग के भाव होठार आम बुझे। तेरे टेक्निक को आम के भाव में व्यवहार करुचे व्हाट आर द यूजेस। द इलेक्ट्रॉन कन्फाइंड स्ट्रक्चर्स सच एज क्वांटम डॉट्स एंड क्वांटम वेव्स कैन बी डेवलप्ड मोर रेडियली बाय मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी टेक्निक। आम जो क्वांटम डॉट स्ट्रक्चर कथा कहे क्वांटम डॉट जो थे तीन टाक डायमेंशन तार नैनो स्केल रेंज रोचे नैनो स्केल रेंज रोच माने आम इलेक्ट्रॉन को तीन टाक डायरेक्शन में कन्फाइंड कर दे पारे। तो क्वांटम डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो किंबा आमर क्वांटम वेल रो फॉर्मेशन हो ताकु आम ए टेक्निक साहाज्य अति सहजरे डेवलप कर दे पारिबा। जेतु आम जानि कंट्रोल्ड मैनर रे आम एक लेयर रो फिल्म प्रस्तुत कराउछे प्रिसाइजली मध्य से थिन फिल्म टा प्रस्तुत हो जाउछि तेणु करी आम रिक्वायरमेंट अनुजाई क्वांटम डॉट किंबा क्वांटम वेल को आम डिजाइन कर दे पारिबा बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी सिस्टम। This method is used to produce highly complex systems and structures of varying layers that can be processed for a wide range of electronics and optoelectronic applications. जेतु अनेक गुड़े लेयर रो मध्य आमे फिल्म को प्रस्तुत करदबा आमे एठारे मात्र तीन टा सोर्स नहीं तीन टा मटेरियल लेयर प्रस्तुत करके अंडरस्टूड कले। ठीक से भाई भाव में आम रिक्वायरमेंट अनुजाई जिते मन से लेयर को आम फॉर्म कर दे पार। तेरे से प्रिसाइज वे रे लेयर फॉर्मेशन आमर हेल्पफुल होची आमर इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन रे हो किंबा ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन को प्रस्तुत करिया पे हो। जमीती कि ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन केते गुडे हैला कोनो ना आम जब हाई स्पीड ट्रांजिस्टर तैयारी करिया पे चाहिबा किंबा लाइट एमिटिंग डायोड प्रस्तुत करिबा सोलार सेल एवं सॉलिड स्टेट लेजर्स यही सब इंस्ट्रूमेंट रो डेवलपमेंट रे मुख्यतः मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी सिस्टम टी को आम यूज करुचे डिफरेंट डिफरेंट लेयर रो थिन फिल्म प्रस्तुत करने। तो एंटायरली आम अंडरस्टूड कले मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी कौन प्रथम आम लक्ष्य कले व्हाट इज एमबीई मॉलिक्यूलर बीम एपिटैक्सी तार इंस्ट्रुमेंटल सेटअप के आम रखुचे स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ दैट टेक्निक एवं तार वर्किंग प्रोसीजर को पॉइंट बाय पॉइंट आलोचना कले। इफ्यूजन सेल रो काम कौन गोटे लेयर उपरे गोटे लेयर को आम एपिटैक्सी नामकरण कराऊे एठार व्यवहृत होता आरएचईडी डिवाइस रो काम कौन एगेन कहीं आम कंप्यूटर सटर को व्यवहार करुचे। फाइनाली आम लक्ष्य कले सिस्टम रो कौन कौन सब व्यवहार हो पार। सो विथ दिस यूजफुल एंड इनफॉर्मेटिव नोट्स लेट मी वाइंड अप द सेशन। थैंक यू।